कंटिन्यूइंग टू द ई2 प्लेन, लास्ट वीडियो में जो फाइट था, शुरुआती जितने फाइट थे मैंने लड़े, सभी का जो फाइट है वो है एल्गोरिदम इन कॉन्फ्लिक्ट। और इस फाइट में मुझे मेरे ही पार्टनर किट्सुने से लड़ना है जो कि मेरी ई2 प्लेन में पार्टनर है। सो फर्स्ट बॉस फाइट एल्गोरिदम इन कॉन्फ्लिक्ट, स्टॉप योर पार्टनर फ्रॉम डिटेनिंग यू एग्रेसिव एनवायरमेंट। सो अभी किट्सुने से फाइट करना है और मुझे इसी को रोकना है मुझे डिटेन करने से। तो मैं निंजाटो सेट के साथ ही खेल रहा हूँ। रॉक्सी आई एम सॉरी, सो ये सॉरी है पर फिर भी फाइट कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली मोस्ट गर्ल्स ऐसा ही होती है, कॉन्सेंट्रेट फॉर वॉट। सो ये मुझे फाइट में हेल्प कर रही है ऐसा लग रहा है। प्रॉक्सी आर यू ओके? सो जब किट्सुने डैमेज करती तो पूछती भी है कि आर यू ओके, यू आर मेकिंग दिस इवन हार्डर। सो आई वॉन्ट दिस फाइट वेरी इजली, राउंड टू। ओके एंट्रेंस किट्सुने वन, सो किट्सुने टू भी होगा। निंजाटो सेट का ओहो, सो निंजाटो सेट का जो शैडो एबिलिटी है वो काफ़ी मस्त होता है। दैट्स इट आई लाइक। सच कहूँ तो ये फाइट्स मुझे फाइट्स कम मजाक ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी एंटरटेनिंग स्टेप्स वगैरह हो चुका है। मैं हर समय अपने आप को ही इसके जाल में कैद कर लेता हूँ। यस यू आर मेकिंग दिस इवन हार्ड, सो दैट्स वाई। बट एनी वे एन्जॉय द फाइट। सो कमिंग टू द राउंड 4 एंड लास्ट राउंड, यू गॉट स्ट्रॉन्गर प्रॉक्सी। सो अभी इसका कमांड चेन बदल चुका है, वो तो मैं हर फाइट में हो ही रहा हूँ स्ट्रॉन्गर। दैट्स वाई इस बार हंड्रेड्स का काम ख़त्म हो जाएगा, बस एक और हिट और ये ख़त्म। फाइनली दिस इज़ ओवर, यस दिस इज़ फाइनली ओवर। चलते हैं स्टोरी पार्ट की तरफ। ओके जून्स बॉडीगार्ड, हे यू व्हाट प्रॉक्सिमस, फाइनली आई रिमेंबर्ड योर स्टूपिड नेम, स्टॉप वेयर आर यू रनिंग। इसने मेरे नाम को स्टूपिड कैसे बोला। आर दो स्पेक्टर्स आफ्टर यू, आई विल लेंड यू अ हैंड बट डोंट यू डेयर टू स्नीक अवे आफ्टर दैट, वी नीड टू टॉक। आखिर क्या बात करना है। सो क्विड प्रो क्यो, विशियस सर्कल, सो फाइट इज विथ आयरलैंडा स्पेक्टर। सो मैंने इस फाइट को थोड़ा फास्ट कर दिया है, अब सीधे स्टोरी की तरफ बढ़ेंगे। सो आई फाइनली डिफीटेड आयरलैंडर्स स्पेक्टर। मूविंग टू द स्टोरी पार्ट, नाउ वी आर टॉकिंग, क्विक फॉलो मी, कीप अप इफ यू कैन, व्हाई आर स्पेक्टर्स चेजिंग यू। ओह दैट्स राइट, यू कैन नॉट स्पीक। मिस्टर्स जून सेंट मी, दैट ऑड ओल्ड मैन आस्क्ड हर टू फाइंड यू, आई डोंट नो व्हाई माई मिस्टर्स इंडल्स हिम, नेम्स जेट बाय द वे जस्ट फॉर द रेगर, आई हेट टिन कैंस एंड मशीन गन्स एंड फैंसी नेम्स, एंड यू, डू यू गेट द मैसेज, आई लेट यू विन बिकॉज मिस्टर्स जून आस्क्ड मी टू, गेट इट, यू आर टू एक्सपेंसिव टू ब्रेक, आई वॉन्ट मैक दिस मच इन माई लाइफ टाइम। तो तुझे समझ आया कि मैं कितना महंगा हूँ। हेयर वी आर, ले अ फिंगर ऑन मिस्टर जून एंड यू विल नो वॉट पेन इज, कम इन, डोंट स्लिप यू पीस ऑफ स्क्रैप। कोई इज्जत है कि नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजनर, फाइट रूल डेंजरस वैम्पायर। ये डेंजरस इसलिए क्योंकि ये हेल्थ गेन कर सकते हैं, मुझे हिट कर सके भले ही मैं ब्लॉक करूँ। सो यू कैन सी सी इज गेनिंग हेल्थ टू मच, नोबल हेल्गा। ओके सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि मुझे इसे हराना है और मुझे इसे हिट नहीं करने देना, अगर एक भी हिट हुआ तो पूरा का पूरा हेल्थ इसका वापस जाएगा। सो मैं इम्पॉसिबल पे खेल रहा हूँ इसलिए इसका जो हेल्थ का जो रेट है आने का वो काफ़ी फास्ट है। सो मेक श्योर टू गेट द स्टेबिलिटी एंड इफ यू आर फाइटिंग दिस नोबल हेल्गा इन इम्पॉसिबल और इनसेन, मेक श्योर
टू नॉट गेट हिट एज यू कैन सी। मैं हर बार छोटे छोटे कारण से बच जा रहा हूँ, इसलिए इसका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आ जा रहा है। सो इस फाइट को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा इसमें टाइम बर्बाद हुआ है मेरा इसे हराने में। दैट्स सो फर्स्ट राउंड जीतने के बाद जो एनिमी है वो पूरी तरीके से बदल जाता है, लेकिन जो फाइट रूल है वो सेम है। हाय डेंजरस वैम्पायर, बस इसे हिट मत करने दो, बाकी तो सब कुछ ठीक है। एंड यू कैन सी मैं जीतने के बिल्कुल करीब था, लेकिन फिर भी इसने मुझे हिट कर दिया और मैं हार जाता हूँ। मतलब हार नहीं जाता हूँ, हेल्थ रिस्टोर हो जाता है इसका। दैट्स ऑल सैड ओटो। और यहाँ पे हाँ पॉइजन पर्क काफ़ी काम का होगा, सो मेक श्योर टू यूज़ पॉइजन पर्क। दैट्स ऑल एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस पॉइजन पर्क, बट इट इज़ टेकिंग लेस अफेक्ट देन द फाइट रोल इटसेल्फ। सो आई डिफेटेड दिस सैड ऑटो। बट द नेक्स्ट फाइट की ओर वन लास्ट फेवर, शेडो अटैप्ट एंड फ्रेजाइल डिसेंडेंट इम्पॉसिबल पे है। हैक्ड सर्विलेंस बोट, बस इसे हिट नहीं होने देना है, दैट्स ऑल। अदरवाइज द फाइट इज रियली ईजी, प्ले इट केयरफुली एंड दैट्स ऑल। सो मैं फर्स्ट राउंड जीत चुका हूँ, चलते सेकेंड राउंड की ओर। फर्स्ट राउंड काफ़ी आसानी से मैं जीता, सेकेंड राउंड भी उसी तरीके से जीतना है, और ये सेट उसके लिए काफ़ी अच्छा है। कंजेक्यूटिव अटैक का तो भरमार है इसमें, बस एक और कंजेक्यूटिव अटैक ख़त्म। प्लस में इसमें मैं पॉइजन पर्क भी यूज़ कर रहा था। अब मुझे कुछ ई टू प्लेन के लिए, जो मैराथन थे ई टू प्लेन के, मैंने उसे कम्प्लीट किया और मैंने एपिक सेटपैक गेन किया है। सो लेट्स ओपन डेट एंड सी वॉट आई गॉट। यूट्यूब प्लेन में जाते हैं, यूट्यूब प्लेन के मैराथन्स आते हैं, मतलब जिस भी प्लेन में जाओ उसके लिए मैराथन्स आते हैं। तो अगर आपको स्टोरी को जल्दी ख़त्म करना है तो सो मैक्स यू टू कम्प्लीट द मैराथन, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। सो अब ये फाइट इजी में हो चुका है, वेनम मास्टर है फाइट रूल, और इसका मतलब इसे मैं जितना हिट करूँगा उतना वेनम मुझे ही आएगा, सो मैं हेल्थ ड्रॉप होगा। लेकिन बिकॉज स्टेबिलिटी है आई डोंट नीड टू वरी, सो मैक्स यू टू गेन स्टेबिलिटी फॉर दिस टाइप्स ऑफ फाइट। इसमें स्किल का कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस स्टेबिलिटी का ज़रूरत है, ठीक है। That's all. I won this round. Moving to the next round. Venom Master. So friends, ये fight काफ़ी आसान है, इसे मैं तुरंत हरा दूंगा and that's it. So अभी के fight के लिए मैं बस इस Palace Guardian तक रखना चाहता हूँ। If you like this video, make sure to subscribe the channel. मैं मिलता हूँ आपसे नए video में बाकी के story part के साथ। Thank you for watching this video.